हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन नंबर 11, जो कि होगा वीपीओ मेंस एग्जाम्स का, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के मेंस एग्जाम्स का। और इसमें अगर हम बात करें तो ये फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन होगा और आपको समय इसमें मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको ध्यान में रख के जो है क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 11, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसके पहले बीपीओ से रिलेटेड यानी ग्राम पंचायत अधिकारी से रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, आपको वहाँ से जो है बहुत सारे कंटेंट जो है मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। ऑप्शन दिया गया है बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, तमिल साहित्य। ठीक है, अब कौन से साहित्य में जो है सबसे सर्वप्रथम सबसे पहले ग्राम शब्द का उल्लेख मिलता है, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट, वैदिक साहित्य में। ठीक है, वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया गया है और यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, इस साहित्य में अगर हम बात करेंगे तो गाँव की समृद्धि के लिए जो है प्रार्थना किया गया है, और ग्राम जो है वह क्षेत्र होता है जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, जो प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कि खेती किसानी यानी कि कृषि हो गया। ठीक है, इसके अलावा पशुपालन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा पशुपालन के अलावा मत्स्य पालन, ये सभी अगर जो चीज़ें होती हैं ये सब कहाँ पर होती हैं, तो अधिकतर गाँव में होती हैं। तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख मिलता है ग्राम शब्द का, वो वैदिक साहित्य में मिलता है, तो आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली यानी कि पंचायती व्यवस्था किन कारणों से जो है कमजोर हो गया। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की जो पंचायती व्यवस्था हुई थी, वो कौन से कारण इनमें से था जिसके कारण जो है कमजोर पड़ गया था। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन दिया गया है कि नगरों पर अधिक ध्यान देना, ठीक है, जमींदार को बढ़ावा देना, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी, इसमें से कौन सा कारण था जो इसके कारण जो है कमजोर पड़ गया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कारणों से जो है ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली यानी कि पंचायती व्यवस्था जो है कमजोर हो गई थी। मध्यकाल में क्या किया गया? नगरों के विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। वहीं मुगल काल में विशेषकर जमींदार और जागीरदारी प्रथा को जो है विकास को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जमींदार बढ़ावा देने तथा जागीरदारी प्रथा के कारण जो है कमजोर हो गया था, और इसी समय जो है जमींदारों का जो है गांव पर नियंत्रण होता रहता था और वह जो है स्वयं कर वसूलता था। तो इस तरीके से कभी जो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त तो सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया गया। ठीक है, ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब किया गया था सर्वप्रथम, तो ये हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 1882 में। उस समय वायस राय था रिपन। ठीक है, रिपन, तो रिपन के कार्यकाल में जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुआ था ब्रिटिश कार्यकाल में, और इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कह मानते हैं या जनक कहते हैं, क्योंकि इसी इसी के समय में इसने ही शुरुआत किया था। ठीक है, इसके पहले अगर हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की दिशा में, तो कार्नवालिस था, उसने जो है इसके पहले जो है शुरुआत किया गया था, जिसने 1793 ईस्वी में जो है कार्नवालिस कोड का निर्माण किया था, जो पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, और यह प्रणाली जो थी वो गाँव के किसानों से जुड़ी हुई थी, जिससे समस्याएं भी उजागर हुई, और अंततः जो है 1882 में जो इसको सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया, यानी कि ग्राम पंचायतों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया। तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये बात कहा गया, ये नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। नगर पालिकाओं की संरचना, नगर पालिकाओं की बात जब आएगी तब इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 234 में नगर पालिकाओं की संरचना का जो है प्रावधान है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अनुच्छेद 243 के फा में नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए जो है निर्भरताएँ हैं। ठीक है, इसके अलावा 243 के मा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वित्त आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग,
बिताओ, इसका इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, जो फा फा मा लिखा हुआ, इसका इंग्लिश वाला ज़्यादा कठिन है। और 243 था में जो है नगर पालिकाओं का गठन का उपबंध किया गया, ठीक है, नगर पालिकाओं का गठबंध का गठन का जो है उपबंध है। और ये 243 होना चाहिए, यहाँ पे 243 दा नहीं है, 243 का दा होना चाहिए, 234 तो दा दिया गया, गलत है। 243 के दा में अगर हम देखेंगे तो नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में बात कही गई है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 243 का दा, ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया, कौन सा संशोधन अधिनियम किया गया था, तो वो संशोधन अधिनियम था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया, इसी के संशोधन के तहत भाग 9 संविधान में जोड़ा गया, जिसे नाम दिया गया पंचायत, ठीक है, जिसे क्या नाम दिया गया, पंचायत नाम दिया गया। और इसी में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के लिए जो है 29 विषयों को इसमें ऐड किया गया। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो पंचायती राज से संबंधित तो किस समिति का गठन जो है योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था, यानी योजना आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया था, तो वो समिति था जीवीके राव समिति, ठीक है। जीवीके राव समिति का गठन 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था, और इसका उद्देश्य था पंचायती राज संबंधित से सुझाव देना, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता दी गई, तो स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता जो प्रदान किया गया था, ये 1793 का एक चार्टर एक्ट आया था, ठीक है, चार्टर एक्ट आया था, तो इसी के तहत जो है ये बातें कही गई थी, इसमें पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता प्रदान किया गया था। किंतु वास्तविक रूप से में अगर स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास की अगर हम बात करेंगे तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुए थे, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 1994 प्रदेश में कब यह प्रवृत्त हुआ, ठीक है। अब देखिए जो ये उत्तर प्रदेश जो पंचायत विधि संशोधन विधेयक जो था 1994, ये अगर हम बात करेंगे तो ये जो लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को प्रदेश में प्रवृत्त हुआ था, तो यहाँ आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट है। ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है, तो जिन्हें पंच कहा जाता है वह अगर देखा जाए तो ग्राम वार्डों से चुने हुए सदस्य होते हैं 7 से लेकर 17, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं, ठीक है, तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ए पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश किस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संचालित हो रही है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो संचालित हो रही है कौन से अधिनियम के तहत हो रहा है ये बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है संचालित हो रही है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात किया गया, तो ग्राम प्रधान के चयन की बात करता है धारा 11B, ठीक है, धारा 11 जो कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात किया गया, और उसमें धारा 11 के बी में ये बातें कही गई हैं, किसकी किस बातें, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के चयन की बात, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी 1000 है तो वहाँ कितने सदस्य होने चाहिए, ठीक है, तो यदि किसी ग्राम पंचायत की आबादी अगर 1000 है तो वहाँ पर 9 सदस्य होना अनिवार्य है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करेगा, यानी कि जो मतदान अध्यक्ष होता है अगर कोई कारणवश वो मतदान स्थल पर नहीं है तो उसके जो कार्य हैं संपादन कौन करेगा, तो उसके कार्यों का संपादन मतदान अधिकारी करता है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सत्य कथन यानी सही वाला कथन बताना है यहाँ पे, तो देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है जो कि गलत है, ठीक है, इसकी मुख्यमंत्री इसकी जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है जो कि गलत है, प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है जो कि सही है, तो ये कथन जो सही है राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में वो सी पार्ट सही है, ठीक है, बाकी इसमें से सारे गलत हैं। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और उसकी सेवा शर्तों की नियुक्ति के बाद
अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद के हटाए जाने का प्रावधान जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, इसलिए इसका सी पार्ट इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है अनुच्छेद 243 का गा में तीन का में जो है ये बातें कही गई हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद जो है आरक्षित हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 1/3, मतलब कि 33% कह सकते हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए? अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर जो है चुनाव हो जाना चाहिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो गैर आबादी वाले गांव से अधिक है, या फिर गैर आबादी वाले गांव से कम है, या फिर गैर आबादी वाले गांव के बराबर है, या फिर आबादी वाले गांव के बराबर है, यहाँ पे क्या आंसर इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट। ठीक है, भारत में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो गैर आबादी वाले गाँव से अधिक है, तो यहाँ आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? चौथा जो आम चुनाव हुआ था पंचायतों का उत्तर प्रदेश में, वो कब संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1972-73 में, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, इनमें से सही सुमेलित की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में बातें कही गई हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के एम में बातें कही गई जो कि गलत है, वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो 243 के आई में बातें कही गई। ठीक है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। लोक सेवा आयोग 315, निर्वाचन आयोग 324 में, बाकी सारे सही हैं, बी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किया गया 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है? तो ग्राम पंचायतों को इसमें से अगर देखा जाए तो पंचायती राज संस्थाओं को जो प्रदान किया जाता है 40%, उसमें से 70% जो है ग्राम पंचायत को दिया जाता है, और ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है, 70% दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 15% जो है वो किसको कितना किसको दिया जाता है, तो जिला पंचायत को दिया जाता है, जिला पंचायत को कितना दिया जाता है 15%, और 15% जो जाता है वो क्षेत्र पंचायत को जाता है। ठीक है, तो 70:15:15 आपको याद रखना है, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत को इसमें 70% जाता है, आंसर इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला जो राज्य वित्त आयोग बनाया गया था वो 1994 में बनाया गया था, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो पंचायतों के द्वारा या उनकी ओर से जो प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा विधि का निर्माण करके उपबंध किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका काम क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा डी पार्ट, राज्य विधानमंडल सही हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार जो है नियुक्त किए जा सकते हैं? तो देखिए जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जो में जो आया था उसके तहत राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व जिले के एक जिला रजिस्ट्रार और उतने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वो ठीक समझे, और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहते हुए जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय समय पर प्राधिकृत करें, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार जितना ठीक समझे उतना जो है कर सकता है, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार सॉरी रजिस्ट्रार द्वारा जन्म एवं मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? तो रजिस्ट्रार के द्वारा जन्म या मृत्यु की केवल प्रथम प्रति जो होती है यानी पहली जो प्रति होती है उसके निःशुल्क जारी कर सकता है, बाकी सभी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, इसके पश्चात अगर आपको लेना है तो शुल्क अदा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के
कुल इनमें से कितने चरण है ये बताना है। तो देखिए, ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण में चरणों की बात करेंगे तो टोटल 5 चरण हैं। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है। तो यह होता है चौथे चरण में। आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। ठीक है, चौथा चरण। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया था। तो यह निर्धारण जो हुआ था वो हुआ था 90:10 का निर्धारण किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पंचायत संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग जो होता है पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त आयोग जो होता है पंचायती संस्थाओं को जो है वित्तीय सहायता प्रदान कराता है। ठीक है, और पंचायती संस्थाओं के लिए वित्तीय योजनाएं तैयार करता है, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन की सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत एंटरप्राइज सूट यानी कि PES के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं। तो PES के अनुप्रयोग देखा जाए तो 11 अनुप्रयोग शामिल है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट, MOPR। ठीक है, MOPR द्वारा पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस की शुरुआत करने और उसे बढ़ावा देने के लिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना की शुरुआत किया गया था। इसमें जो है 11 सामान्य अनुप्रयोग शामिल किया गया है। NIC का मुख्यालय कहाँ है। NIC के मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसका फुल फॉर्म है, जिस जो भारत सरकार का प्रौद्योगिकी भागीदार है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC की स्थापना कब किया गया था। तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया था 1977 में। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुधन बीमा योजना। ठीक है, पशुधन बीमा योजना क्या है, पशुधन बीमा योजना। तो पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत सरकार सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा कराती है और योजना के तहत जो यदि किसी कारणवश बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी के द्वारा पशुपालक मालिक को जो है मुआवजे की रकम 15 दिन के अंदर प्रदान करती है। तो यह पशुधन बीमा योजना है, इसमें सी पार्ट से ही सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध किससे है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ग्रामोदय योजना मतलब कि यह आवास से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुआ था। तो गांधी ग्राम योजना की शुरुआत किया गया था वर्ष 1995-96 में। आंसर क्या है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहा था, ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरुआत किया गया था। तो यह शुरुआत हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन जो दिया गया है, कुछ ऑप्शन के तरीके देखेंगे तो 1999 to 2000 इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से योजना का नाम दिया गया है और उसकी स्थापना वर्ष, तो ग्रीन कार्ड योजना की शुरुआत जुलाई 1985 में किया गया था, तो ये सही है। समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत 1975 में किया गया था, ये भी सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत यह किया गया था 2001 में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत 1977-78 में हुआ, तो ये भी सही। तो सी पार्ट गलत है, बाकी सारे सही है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC की संरचना में शामिल है क्या क्या शामिल है। तो देखिए, सामान्य सेवा केंद्र यानी CSC की संरचना जो है 3 स्तरीय है, जिसमें राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी और ग्राम स्तरीय उद्यमी शामिल होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो डी पार्ट हो जाएगा, ऐसे भी शामिल है। ठीक है, CSC का फुल फॉर्म क्या है। तो सामान्य सेवा केंद्र यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA की शुरुआत कब हुई। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत किया गया था अप्रैल 2022 में। ठीक है, 41 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 2022 अप्रैल में शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से रहा है। तो राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध अगर देखा जाए ग्रामीण विकास में
तो ये ग्रामीण विकास के जो है ग्रामीण पेयजल से संबंधित रहा है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं? इनमें से प्रमुख कार्यों में अगर हम देखेंगे तो सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य में आता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी आता है। स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना, ये भी आता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी जो है एकीकृत ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। ग्रामोदय से ग्राम भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? भारत उदय योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष किया गया था, यह बताना है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यह शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत उदय योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना, इसका मेन उद्देश्य रहा है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन की अगर हम बात करेंगे तो इसको पूरा करने के लिए वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये मिशन चलाया गया है। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि की जाती है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो है खुद का पक्का मकान बनाने के लिए लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की मदद किया जाता है। तो यहाँ आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया था? तो आयुष्मान भारत योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 23 सितंबर 2018 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, 23 सितंबर 2018 में शुरुआत किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो झारखंड राज्य के रांची जिले से जो है लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था इस योजना को। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वावधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित किया था, और कब से लेकर कब तक ये संचालित किया था? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये जो योजना चला था, मतलब ये सिटीजन चार्टर अभियान, ये चला था 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी 50 क्वेश्चन पूरे होने हैं, अभी आपके 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का यह है। तो देखिए, पंचायत स्तर पर महिलाओं को भागीदारी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गांव से कम 5 महिलाओं को ग्राम स्तर पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण कराने के लिए फोल्ड टेस्ट किट यानी STK का उपयोग करने के लिए जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो कम से कम 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आंसर इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया है? जिला योजना समिति, जिला योजना समिति का गठन का दायित्व की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत जो है राज्य सरकारों को सौंपा गया है, तो ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, अनुच्छेद 243 के ZD में ये बातें कही गई हैं। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है, क्या मतलब गलत है इनमें से? तो लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, जो कि सही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ये भी सही है। ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सीमित करना, रोजगार के अवसर को सीमित करना जो है इसका काम नहीं है भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में। तो यहाँ पे केवल डी पार्ट गलत हो जाएगा, ए बी और सी इसके जो है क्या सही है। तो डी पार्ट केवल गलत है, तो डी पार्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, केवल डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, ठीक है, का शुभारंभ किया गया था, कहाँ से किया गया था, किस शहर से किया गया था? और ये किया गया था जो है शिल्प ग्राम लखनऊ से। ठीक है, शिल्प ग्राम अवध, शिल्प ग्राम लखनऊ से किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मिलान करना है, इसमें से योजना दिया गया है।
हम मिलाते हैं ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना। ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना बताना है कि कब शुरुआत हुआ था, तो ये शुरुआत होता है 1999 टू 2000, ठीक है, 97-98 में शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना की शुरुआत किया गया था 1999। गंगा कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1997 में हुआ था। समग्र आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1999 में किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 2000 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। मनरेगा, मनरेगा की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो यह प्रारंभ किया गया था वर्ष 2006 में, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के गांव में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु तो किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। स्वावलंबी, स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था वर्ष 2016 में। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न, आदर्श ग्राम के तहत व्यक्तिक व्यक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप इनमें से कौन सा है। तो देखिए, व्यवहार में परिवर्तन करना, सांस्कृतिक विरासत, ये दोनों जो है आदर्श ग्राम के अंतर्गत, व्यक्तिगत व्यवहार के अंतर्गत आता है क्रियाकलाप दोनों। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। सखी मंडल किसकी विकास योजना से संबंधित है। सखी मंडल की अगर हम बात करेंगे, तो ग्राम नगर ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे, तो पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना इसका मेन उद्देश्य है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। भारत में स्मार्ट विलेज मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है। स्मार्ट विलेज मॉडल जो है, ये विश्व के अगर हम देखा जाएगा, तो ये यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। इस मॉडल को जो है विकसित करने के लिए 5 स्तंभों को इसमें से प्रयोग किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो जेल में हुए जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए उस जेल का जो जेलर होता है वही जिम्मेदारी होता है, वही उत्तरदायी होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठकें जो होती हैं प्रतिवर्ष होती हैं, कब कब होती हैं ये बताना है। तो ग्राम सभा की जो प्रतिवर्ष जो बैठक होती है, कम से कम 2 बैठकें आयोजित होती हैं, ठीक है। और एक होती है खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, और दूसरी जो होती है वो रबी की फसल के तुरंत बाद। तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, वो भी दोनों। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था। तो ये कब आया था, तो ये आया था 1886 में। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पूरे ब्रिटिश भारत में जो है स्वैच्छिक पंजीकरण प्रदान करने के लिए जो है ये अधिनियम लाया गया था। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है। तो ग्राम विकास सचिव के कार्यों में जो है सहायता की अगर हम बात करेंगे, तो पंचायत सहायक करते करेगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद कौन करता है। तो गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद जो है ग्राम विकास सचिव करेगा। तो ग्राम पंचायत सचिव हो जाएगा यहाँ पे। आंसर ए पार्ट करेक्ट। तो ये हो गए अभी आपके पंचायत से संबंधित क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, फिर देखेंगे यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता डॉक्यूमेंट शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, तो ये होता है स्टाइल्स, ठीक है। स्टाइल्स जो होता है ये क्या होती है, ये कंटेंट की जो है तालिका बनाने में सक्षम होती है। टेबल्स स्टाइल ग्रुप के अंदर टेबल को डिजाइन करने के लिए अलग अलग डिजाइन ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मॉडिफाई टेबल डिजाइन, क्लियर न्यू टेबल स्टाइल, शेडिंग बॉर्डर, ये सभी चीज़ें होती हैं। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था। पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहते थे पास्कल लाइन, ठीक है। पास्कल लाइन हो जाएगा, जो कि ये पहला यांत्रिक कंप्यूटर था, कैलकुलेटर था सॉरी। और इसका वर्ष 1945 में ब्लेज के द्वारा ये आविष्कार किया गया था, ठीक है। ये जोड़ने घटाने का कार्य करती थी। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य करेक्टर को हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, वो होता है क्लीन, ठीक है। क्लीन ऑप्शन पर जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, तो टेक्स्ट के जितने भी सभी चीज़ें होती हैं उसमें जो लगा होता है, ठीक है, वो सभी करेक्टर हट जाता है। के मीन्स एल्गोरिथम एक किस प्रकार की एल्गोरिथम है। के मीन्स एल्गोरिथम की अगर हम बात करेंगे,
तो ये एक प्रकार का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होता है, तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आईओटी उपकरण में वायरलेस संचार के लिए अगर हम देखेंगे तो ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग करेंगे, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? तो अपाचे जो हडूप फ्रेमवर्क है इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जावा लैंग्वेज, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। एआई एप्लीकेशन, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो यहाँ अगर देखा जाए तो एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए इसमें से पर्ल जो लैंग्वेज है ये प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, पर्ल लैंग्वेज जो प्रयोग नहीं किया जाता, उपयोग नहीं किया जाता, तो डी पार्ट हो जाएगा। ये जो होता है बिग डाटा प्रोसेसिंग आदि में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसमें से अगर देखा जाएगा तो कौन सी सेवा है जो कि संचालित किया जाता है? तो ईमेल सेवा उसका नाम है आउटलुक। ठीक है, आउटलुक ईमेल सेवा जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा संचालित करते हैं। अगला प्रश्न, जीमेल जो है ये गूगल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को जो है लक्षित करता है? तो वो होता है डीडॉस अटैक। ठीक है, डीडॉस अटैक हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW। ठीक है, तो WWW के आविष्कारक का नाम क्या है? टिम बर्नर्स-ली, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, या फिर इसको W3 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, सोशल मीडिया में हैशटैग के प्राथमिक उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो उसका होता है उद्देश्य पोस्ट को उनकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम प्रयोग करते हैं डिजिटल सिग्नेचर का। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा अलग होते हैं? तो ये दोनों अलग जो होता है वो होता है एट द रेट चिन्ह के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो लाखों जो बहुत छोटे स्विच होते हैं उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं या कौन से नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेंसिटिव या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसे कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से सुरक्षित मतलब सुरक्षित कर सकते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसमें हम पासवर्ड लगा देंगे तो सुरक्षित हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, पासवर्ड लगाकर सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल होगा, चलिए देख लेते हैं 20 क्वेश्चन लास्ट। किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती हो? कौन सा नृत्य होता है, किस प्रकार के नृत्य में इस तरीके से होता है? तो वो नृत्य होता है चरकुला नृत्य। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य में इस प्रकार का जो है महिला जो होती है नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर एक रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करता है। ठीक है, और ये चरकुला नृत्य जो है ये ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसमें नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को रखकर जो है कृष्ण भक्ति गीतों पर जो है नृत्य करती हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो उस प्रकार की जो चीज़ें कही गई हैं तो ये चिन्हट और मानसेलिया में उत्पादित की जाती है, जो कि आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और चिन्हट जो था 1970 के दशक में चिन्हट मिट्टी के बर्तनों के लिए जो है प्रसिद्ध केंद्र के रूप में उभरा है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी हुआ करती थी? तो देखिए, उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी की अगर हम बात करेगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए पार्ट, श्रावस्ती जो होती थी ये उत्तरी कौशल जनपद की क्या होती थी, राजधानी होती थी। ठीक है, श्रावस्ती।
और जो दक्षिणी कौशल था उसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी अयोध्या। ठीक है, तो कौशल उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल दो रूम में बटा हुआ था। तो दक्षिणी कौशल का जो राजधानी हुआ होता था वो कौन सा होता था, वो अयोध्या होती थी, और उत्तरी कौशल की राजधानी जो हुआ करती थी वो श्रावस्ती हुआ करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात कौन सा मंदिर है इनमें से। तो देवगढ़ में जो स्थित है गुप्त काल का दशावतार मंदिर बहुत बार पूछा गया है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और ये अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन जो ज्ञात मंदिर है वो ये कौन सी शैली में है, तो ये पंचायतन मंदिर कहलाता है। ठीक है, किस प्रकार के मंदिर में है, तो ये पंचायतन मंदिर है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पंचायतन मंदिर जो है निर्माण की एक शैली होती है जिसमें केंद्रीय में मंदिर होता है और जो चार अन्य मंदिरों से घिरा हुआ होता है, तो उसको पंचायतन मंदिर कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में किया गया था। अब हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मेरठ में। और ये कौन से जानवर की स्थापना के लिए जो है इसको स्थापना किया गया था 1986 में, तो यहाँ पर दलदल हिरण की स्थापना के लिए जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इसकी दलदल हिरण की रक्षा के लिए जो है इसकी स्थापना किया गया था, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह है फतेह शब्द का अर्थ जो है जीत है, यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है यह बताना है। तो 86 का अगर आंसर की बात है तो फतेह शब्द जो है फारसी लैंग्वेज का है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। फतेह शब्द क्या है, फारसी लैंग्वेज, फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, आगरा से 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी बसा हुआ है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने किया था, तो अकबर के द्वारा किया गया था, मुगल सम्राट था, 1570-75 में इसने जो है इसका निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना। महादेवी वर्मा, छरदा इनकी पुस्तक का नाम है या नहीं है बताना है, इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, तो सही है मैत्रेय शरणगुप्त तिलोत्तमा, इन्होंने ही लिखा है। सूरदास अष्ट सूर जो ये है ये किसके द्वारा लिखा गया, सूरदास जो अष्ट सूर है ये गलत है। ठीक है, सूरदास जो है अष्ट सूर जो सूरदास की पुस्तक नहीं है। सूरदास की पुस्तक के नाम में सूर सागावा, सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, सूर सारावली, नलद मयंती आदि आते हैं, के बाकी सारे सही हैं। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद प्रेम पथक हो जाएगा, सही है आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है। ठीक है, ठीक है, ये बताना है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए फेमस है वो वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में कौन दो नदियों के संगम के बीच पास में स्थित है, तो वो वहाँ पर जो दो नदियाँ हैं वो हैं गंगा और वरुणा नदी। कौन सी दो नदी है, गंगा और वरुणा नदी, जिसमें सारनाथ में पार्क है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धम्म की शिक्षा दिया था, और सारनाथ को सिंहपुर के नाम से जाना जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम है। ठीक है, इसको करंट से रिलेटेड है, आप देख लीजिएगा। अभी अक्टूबर 2023 तक की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 21 हुआ करते हैं, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में भौगोलिक संकेत यानी टैग उत्पाद का मिलान करना है। वॉल हैंगिंग कहाँ का टैग मतलब उत्पाद है, भौगोलिक संकेत यानी GI टैग है। हस्तनिर्मित दरिया, कैंची और हस्तनिर्मित कालीन, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा किस शहर का जो है GI टैग जिसको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ ए का 3 हो जाएगा। वॉल हैंगिंग जो है गाजीपुर का GI टैग है, और हस्तनिर्मित दरिया ये मिर्जापुर का GI टैग है, कैंची मेरठ, और हस्तनिर्मित कालीन ये हो जाएगा भदोही। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से GI टैग भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि नीडा का निर्माण कब किया गया था। तो नीडा का निर्माण किया गया था अप्रैल 1983 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित हुआ आयोजित उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत तब हुआ करता था। कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था 1909 में जब आगरा में आयोजित हुआ था। तो उस समय अगर हम बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन्होंने जो है अध्यक्षता किया था। ठीक है,
और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता, जो वर्ष 1928 में तैयार हुआ था। तो यहाँ आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। ठीक, अब इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के नाम भी आपको जानना है, और उनका क्या नाम है, तो वो है खांडेसरा और थारी, जो कि ये इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों में पड़ता है, जहाँ पे बलुआ पत्थर, सिलका बलुआ पत्थर के बड़े भंडार जो है पाए जाते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने, अब करंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ यानी वन टेप वन ट्री योजना शुरुआत किया। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया? यह योजना शुरुआत किया गया था नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के माध्यम से। तो यहाँ सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया? तो यह बदला गया था अमलतास रोड का नाम बदला गया था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया था? तो यह शुरुआत किया गया 2012-13 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपये की राशि जो है दिया जाता है इनाम के तौर पर। ठीक है, और संस्था के रूप में अगर दिया जाता है तो 2 लाख रुपये की राशि प्रदान किया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपये, संस्था के तौर पर 2 लाख रुपये, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए जो है प्रसिद्ध थी? अब ये लाल इमली मिल पूछा लिया जाता है कहाँ पर स्थित है, तो ये कानपुर में है, और ये वस्त्र उद्योग यहाँ पर मतलब वस्त्र उद्योग से संबंधित था, जो कि यहाँ पर वूलन यानी कि ऊनी कपड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। ठीक है, ऊनी वस्त्र के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध थी, इसी के चलते जो है कानपुर को पूरब का क्या मैनचेस्टर कहा जाने लगा था। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र को जो है मंजूरी दिया है? तो टोटल 31 है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम, ठीक है, बाल संग्रहालय मतलब चिल्ड्रन म्यूजियम म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुआ, जो कि कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था जूनियर के पेपर में जो 2023 में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 60 फीट। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट 60 फीट। इसका अगर हम बात करें रूमी दरवाजे का निर्माण तो किसने करवाया था, तो एक नवाब थे आसफुद्दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आसफुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि लखनऊ के नवाब थे। कब करवाया था? 1783 ईस्वी में करवाया था, अकाल, उस समय अकाल आया था, अकाल के दौरान ही करवाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को जो है तुर्किस गेटवे भी कहा जाता है। अगर रूमी दरवाजा ऑप्शन में नहीं मिला तो तुर्किस अगर मिल गया तो तुर्किस गेटवे मिल गया, तब भी इसी का ही बात कर रहा है, ये आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, रूमी दरवाजा जो है कॉन्स्टेंटिनोपल के दरवाजे के समान दिखाई देता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहे क्योंकि हम बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।